वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम कोल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो कोल इंडिया लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते हैं कि 215 पे रिसेंटली ट्रेडिंग कराए कोल इंडिया स्टॉक। 7 पॉइंट की गिरावट तकरीबन 3% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिले आज कोल इंडिया स्टॉक के अंदर। काफ़ी गिरावट यहाँ पे देखोगे तो देखते हुए नज़र आ चुकी है। तकरीबन देखा जाए तो मार्केट क्लोज जो है टोटली नेगेटिव है, जैसे कि कोविड फैलने की न्यूज आ चुकी है तो वही से देख सकते हैं कि स्टॉक में काफ़ी गिरावट, सेलिंग का प्रेशर रहा है। हर स्टॉक्स यहाँ पे देखोगे तो नेगेटिव देखने को मिला है। उसी का प्रेशर देख सकते कि रिसेंटली देखा जाए तो यहाँ पे कोल इंडिया में देखने को मिला। आज जैसे ओपन और 220 लेवल को ब्रेक करके गिरावट देखने को मिली। स्टॉक के अंदर 215 लेवल पे सपोर्ट लेके स्टेबल है रिसेंटली। तो मार्केट कैप जो है 1.33 लाख करोड़ का है, पी रेशो 5.10 है और डिविडेंड यील्ड है 10% का। लास्ट 5 डेज की बात की जाए तो स्टॉक के अंदर 3.87% की गिरावट देखने को मिले। वॉल्यूम की भी बात की जाए तो ट्रेडेड वॉल्यूम जो है टोटली यहाँ पे आप देख सकते कि 64 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है आज के दिन में। उसी के साथ ट्रेडेड वैल्यू 14,000 लाख के ट्रेडेड वैल्यू देखने को मिले। बाइंग के लिए 6,53,000 क्वांटिटी एंड ऑफ द डे में है। तो सेलिंग के लिए अभी भी ज़्यादा क्वांटिटी जस्ट 7,83,000 के। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशन के ऊपर नज़र डाली जाए तो रिसेंटली देख सकते कि 58 लाख में से 33 लाख क्वांटिटी जो है डिलीवरी के लिए जा चुके हैं। कुल मिला के 56% क्वांटिटी। तो चार्ट के ऊपर नज़र डालेंगे, देख सकते कि चार्ट के ऊपर नज़र डाली जाए तो रिसेंटली काफ़ी गिरावट देखने को मिले स्टॉक के अंदर आज। मीन्स यहाँ पे देख सकते कि तकरीबन यहाँ पे 220 इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने। तो नीचे जाता है तो 210 लेवल तक जाने के चांसेस है। 215 लेवल को ब्रेकआउट देता है स्टॉक। तो ये लेटेस्ट अपडेट कोल इंडिया के लिए।